प्रीमियर लीग, क्योंकि सपने सच होते हैं और इनडीड ये सपने सच करवा रहे हैं। इतने सारे प्लेयर्स आए, इतने सारे कलीशा से लोग आए हैं यहाँ पर और इतने होप्स लेकर आए। मैं पर्सनली लोगों से मिला हूँ, लातूर से, अलोका से, सिंधुदुर्ग से, नासिक से लोग आए हैं और यहाँ पर वी हैव अ लेजेंड, इंडिया के एक्स कैप्टन रह चुके हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी हार्डवर्क किया है और आप जो देख रहे हो यहाँ पर मेरे साथ है द लेजेंड, नन अदर देन मोहम्मद अजहरुद्दीन सर। सो लाइव आ जाइए, लाइव लाइव, कम ऑन ऑल यू पीपल, आई एम लाइव हियर विद मोहम्मद अजहरुद्दीन सर। Yes, sir, there you go. And that is Mohammad Azharuddin, sir. Sir, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं सर। सर, एक यूथ के लिए सर आप एक मैसेज दे सकते हो सर, यहाँ पे जो स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो है, जो डांसिंग सिंगिंग नहीं है पर ये क्रिकेट का फर्स्ट रियलिटी शो है, तो सर आप कुछ एक सजेस्ट कर सकते हो सर? मैं यही कहूँगा कि जो भी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, पहले तो जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं होगा तो आप क्रिकेट या चाहे कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा कि लोग को पैशन होना चाहिए, उसके बाद हार्डवर्क और कमिटमेंट होना चाहिए और गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए यंग बच्चे, क्योंकि देखिए बहक तो जाते हैं बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपना एनर्जी सही तरीके से डालेंगे तो आपको सही रिजल्ट। एब्सोल्युटली, पैशन, हार्डवर्क और एनर्जी सही तरीके से डालना चाहिए। हर एक को ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, गलत चीजों में नहीं जाना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, टाइम टेबल, हार्डवर्क और मेहनत से आपको तो मिलेगा। आप क्या विशेष देना चाहते हो ट्रू स्पोर्ट्स और ट्रू प्रीमियर लीग को? मैं देना चाहूंगा कि बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल देखिए जो लड़के लोग को बिल्कुल जो विलेजेस में रहते हैं, जो एकदम रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये जो t.p.l का है लीग है जो बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो मेरे ख्याल में आगे जाके अपने स्टेट को खेलेंगे, फिर अगर वहाँ पे भी अच्छा खेलेंगे तो फिर हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को यहाँ से अच्छा कोचिंग दें, अच्छे से अच्छा मैचेस खिलाएं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। सर, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, आपने स्ट्रगल किया है सर। सर, वो एक मोमेंट आपके लाइफ का जहाँ पे सर यू नो यू थॉट इट दैट आई हैव रीच्ड द सक्सेस आल्सो बट आई हैव टू डू गुड यू नो इवन दो विद दैट सक्सेस। देखिए, स्ट्रगल तो बिल्कुल होना पड़ता है, जब स्ट्रगल जो उसके बारे में मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रगल मेरी लाइफ को डिफिकल्ट जो स्ट्रगल होता था, जो मैं जब हम प्रैक्टिस करते थे शाम में, प्रैक्टिस के बाद फिर वॉकिंग करके घर जाना पड़ता था, जहाँ पे हमको 3 या 4 किलोमीटर चलना पड़ता था, वो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल था। लेकिन उसके बाद जो सक्सेस हुआ, जो मैंने पहले 3 मैचेस में 100 किया, मैं समझता हूँ वो मैं कभी भी नहीं भूलूँ। सर, आप 3 to 4 किलोमीटर चल रहे थे सर, ऑलवेज एंड देन आफ्टर द मैच इट हैज ऑलवेज बीन गुड। नहीं, नॉट आफ्टर द मैच तो फिर भी बस ऐसे मिल जाती थी, ज़्यादा उतना दूर नहीं होता था, बट लेकिन जो प्रैक्टिस के बाद जो 3-4 किलोमीटर की वॉक होती थी बहुत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, आपके सारे फैंस हैं सर, एक फैंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे क्रिकेट फैंस आपको देख रहे हैं और ये ट्रू स्पोर्ट्स चैनल पे भी जाने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच कहूँगा मैं पूरे फैंस को, जो भी मेरे फैंस हैं मेरे साथ जुड़े रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी जुड़े रहेंगे। आपका जो सपोर्ट है वो मैं बिल्कुल उसका आभारी हूँ और बहुत, मैं जितना भी आपका शुक्र अदा करूँ मैं समझता हूँ मेरे फैंस का बहुत कम है। एब्सोल्युटली सर, जाने से पहले सर एक मेरी प्रथा है छोटी सी सर, हमें किस देना चाहते हैं स्क्रीन में सभी फैंस को? That is Mohammad Azharuddin sir says all the best. Passion, hard work is what will take you to success. For all of those watching here, thank you so much.